तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेकी लिंच ने कैसे रिवील किया कि वो सिथ रोलिंस के साथ रिलेशनशिप में गई, और ब्रॉन स्टेवन का क्या नाम विकिपीडिया पे चेंज हो चुका है, और एजे स्टाइल ने अभी ऑफिशियली रिवील कर दिया कि बोन यार्ड मैच है क्या। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप मान लो कि अभी से कुछ वीक पहले WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हमें बोन यार्ड मैच देखने को मिलेगा अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल के बीच में, यानी कि फेनम वर्सेस फिनोमिनल के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में एजे स्टाइल जाते हैं तो उनसे बोन यार्ड मैच के बारे में पूछा जाता है, तो वो साफ साफ क्लियरली बोलते हैं कि बोन यार्ड मैच एक ग्रेव यार्ड मैच है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ग्रेव यार्ड मैच क्या है। तो ग्रेव यार्ड मैच आज से कुछ साल पहले आपने अंडरटेकर वर्सेस स्टोन को स्टीव ऑस्टिन या केन के बीच में मैच देखा था कि उसमें गड्ढे में कैसे वो एक सुपरस्टार को ढकेल देते हैं, जो भी मतलब बॉडीड को ढका जाता है, जो भी जीत जाता है वो होता है। तो वो बोले थे कि अगर मैं अंडरटेकर को फेस करता तो मैंने चाहता था कि ये मैच हमें मतलब और टाइप से या सबसे अलग दिखे, मैं चाहता था कि ये मैच सबसे अलग दिखे, और मैंने इसलिए ये मतलब ये स्टिपुलेशन WWE ने ऐड की, और मैं चाहता हूँ और मैं इसमें खुश भी हूँ कि मेरा ओपोनेंट अंडरटेकर जैसे बंदे हैं। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है ब्रॉन स्ट्रोमैन से। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि न्यू यूनिवर्सल चैंपियन हमें देखने को मिलेंगे WrestleMania 36 में, और मैंने उसमें बताया भी था कि हमें WrestleMania 36 टेप्ड शो देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी शो कर रहा था कि 26 मार्च को वो न्यू चैंपियन बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग न्यूज़ ये आई है, किसी ने मतलब उसको चेंज कर दिया था, गोल्डबर्ग की जगह ब्रॉन स्ट्रोमैन कर दिया था, मतलब कोई बंदे ने कर दिया था। और उसके बाद जब विकिपीडिया को मालूम चला कि ये करेंट या मतलब गलत सोर्स है या गलत न्यूज़ है, तो उन्होंने चेंज कर दिया। अब वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दूँ, क्योंकि सभी लोग तो मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा लोगों ने उस पर डिसलाइक किया है, क्योंकि सब लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन न्यू चैंपियन बन गया रोमन रेंस की जगह पे। और नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप मानोगे कि दोनों सुपरस्टार रॉ के सुपरस्टार हैं, और अभी से कुछ साल पहले ज़्यादा नहीं 2019 के अप्रैल या मई से हमें इनका राइवलरी WWE घुसा देती है स्टम्पिंग ग्राउंड से। आपको मालूम होगा WWE का PPV था स्टम्पिंग ग्राउंड, और उसमें हमें मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एक तरफ रहते थे बैरन कॉर्बिन, लेशी एवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। तो फ्रेंड्स उन्होंने ये रिवील किया कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में कैसे गए। वो बोलते हैं कि वो बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस, मेरा मतलब बेकी लिंच बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस उनके बहुत पुराने फैंस थे, मतलब फैंस मेरा मतलब फ्रेंड्स थे, और वो लोग बहुत सालों से मतलब अपने फ्रेंड्स थे। और वो बोलते हैं कि एक दिन अचानक से उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई, और कन्वर्सेशन है मैंने सोचा कि ये बंदा अच्छा है, मुझे लगता है कि इन पर विश्वास करने लायक है। तो होता क्या है कि मैं भी सिंगल था और वो भी सिंगल थी, लेकिन मैं उनके साथ बात करने लगा, लेकिन रिलेशनशिप और मैरिड वाला कुछ बात नहीं है, हम लोग उनके साथ कुछ इस टाइप से गलत या मतलब कुछ वर्क नहीं किया है। तो फ्रेंड्स उन्होंने इस टाइप से रिवील किया, तो आपको लगता है कि वो लोग रिलेशनशिप में थे। तो अभी तो उन्होंने बेकी लिंच ने यही रिवील किया है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।